आप देख रहे हैं घमासान.com, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। देश भर में 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। इसी के साथ इन नियमों का उल्लंघन करने पर भी भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। नए ट्रैफिक नियम से बेंगलुरु में भी खलबली मची और 72 लाख रुपए के चालान काटे गए। दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह की पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी चालान काट रही है। इसी बीच बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नया डेटा आया है। यहां पुलिस ने चालान काटकर 5 दिन में 72,49,900 रुपये वसूल किए हैं। 4 सितंबर से 9 सितंबर तक के डेटा को पुलिस ने हाल ही में जारी किया है, जिसमें चालान कटने पर 72 लाख वसूल किए गए हैं। इसमें पुलिस की तरफ से सबसे ज़्यादा चालान हेलमेट ना पहनने के लिए काटे गए हैं। फिर चाहे दो पहिया वाहन चलाने वाले हों या फिर बाइक पर पीछे बैठने वाला। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने कई तरह के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी चालान काटा है। इनमें गलत तरीके से यू टर्न, तेज़ गाड़ी चलाना, नो एंट्री में एंट्री, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल समेत कुल 6,813 मामले सामने आए हैं, जिनसे कुल वसूली 72,49,900 रुपए हुई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।